हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लिपिक रसोई में। आज हम आप लोगों के साथ एक पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें बेसन डाल लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बेसन दिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैदा ऐड करके इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा गोलमिर्च पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हल्का हल्का पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने हल्का हल्का पानी ऐड किया है। एक ही बार में डाल देने से ये ज़्यादा पानी हो जाएगा तो गीला हो जाएगा, इसलिए हल्का हल्का पानी डालेंगे और थोड़ी गाढ़ी घोल तैयार करेंगे अपनी। ये देखिए ये तैयार हो गया है गाढ़ी घोल हमारी। अच्छे से इसे मिला लेंगे और हम अब अंडे को, बॉईल किए हुए अंडे को ले लेंगे। मैंने 5 अंडा लिया है, इसे बीच से कट कर लेंगे। एक धागा लेंगे और उस धागे से अच्छे से रख के थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और ये तुरंत कट जाएगा बहुत ही सॉफ्ट से। ये देखिए कट गया। इसी तरह से हम सभी को काट लेंगे। आप अपने घर पे एक बार मेरी तरीके से बना के देखिएगा एक पकौड़ा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ये देखिए इस तरह से हम सभी को कट कर लेंगे। धागे से काटने पे अच्छे से कट जाता है, इसलिए अभी हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें हम रिफाइन ऑयल, सोयाबीन ऑयल डालेंगे और पकौड़े को तलेंगे, घोल में डालेंगे और उसे उठा के कम आंच पे डाल देंगे। फ्लेम को हमेशा कम रखेंगे और इसे दो दो करके डालेंगे। ये देखिए ये चटकेगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी कट चुका है, तो उतना चटकता नहीं है। हल्का फुल्का चटकेगा लेकिन ज़्यादा चटकेगा नहीं। अभी हम इसे दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। आप भी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये देखिए इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। ये देखिए बन के रेडी हो चुका है। इसे मैंने तुमको काफ़ी पसंद किया है। वीडियो सुबह में आए।